हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टोपोग्राफी यानी स्थल आकृति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि टोपोग्राफी क्या होता है। तो देखिए, ऊबर खाबर जो ज़मीन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। जैसे आप कहीं पे देखते होइएगा क्या होता है, ऊंचा होता है, कहीं पे क्या होता है, नीचा होता है। कहीं पे आगे बढ़िएगा तो नदी आ जाएगा, नदी के बाद कहीं पे पहाड़ आ जाता है, कहीं पे पर्वत आ जाता है। यही सब जमीन को क्या बोलते हैं, स्थल आकृति बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्थल आकृति है मेनली पांच तरह से बनता है। आपका पहला हो गया नदी द्वारा बना स्थल आकृति। देखिए, नदी जब चलती है तो कहीं ना कहीं जमीन को काटते छोड़ते चलती है, तो उस तरह से जो आकृति बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदी द्वारा बना स्थल आकृति। उसके बाद आपको पढ़ना है महासागरों द्वारा बना स्थल आकृति। महासागर यानी ओशियन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, देखिए महासागर कैसे स्थल आकृति बनाता है, जब महासागर की लहरें उठती है तो उस तरह से लेक बन जाता है, जैसे आप पढ़े हुएगा लेगुन लेक। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं किस किस तरीके से बनता है। तो दूसरा क्या हो गया, महासागर द्वारा बना स्थल आकृति। आपका तीसरा ये हो गया कि बर्फ द्वारा बना स्थल आकृति। देखिए कहीं पे बर्फ का क्या होगा, पहाड़ होगा, तो उस तरह से जो आकृति बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्फ द्वारा बना स्थल आकृति। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है हवा द्वारा बना स्थल आकृति। देखिए हवा द्वारा कैसे बनेगा, कहीं पे देखिए हवा अगर तेज चलेगा तो वहाँ पे रेत होगा, तो रेत को लेके चलेगा और एक जगह इकट्ठा कर देगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, हवा द्वारा बना स्थल आकृति। और लास्ट में आपका हो गया भूमिगत जल, अंदर में जो जल रहता है जमीन के, उसके द्वारा जो आकृति बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमिगत जल द्वारा बना स्थल आकृति। तो स्थल आकृति कितने तरह से बन सकता है, पांच तरह से। पहला आपका क्या हो गया, रिवर यानी नदी द्वारा बना स्थल आकृति। दूसरा महासागर द्वारा बना स्थल आकृति। तीसरा क्या हो गया कि बर्फ द्वारा बना स्थल आकृति। चौथा हवा द्वारा बना स्थल आकृति। और पांचवा यानी लास्ट आपका क्या हो गया, भूमिगत जल द्वारा बना स्थल आकृति। देखिए इस सब को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझते हैं, जो टर्म आपको बहुत ही यूजफुल होगा इसके द्वारा बना स्थल आकृति को पढ़ने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस टर्म को समझते हैं। सबसे पहला इसमें आपका टर्म आता है कि अपक्षय यानी वेदरिंग, देखिए। और दूसरा टर्म आता है इरोजन यानी अपरदन। और तीसरा टर्म आपको इसी में पढ़ना है कि डिपोजिशन यानी निक्षेपण। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपक्षय यानी वेदरिंग क्या होता है। तो देखिए किसी भी चीज़ का टूटना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग यानी अपक्षय कहलाता है। जैसे देखिए मार्कर है, मार्कर को यहाँ से हम तोड़ दें, जैसे यहाँ से ये टूट गया तो ये क्या हो गया, आपका अपक्षय हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ का तोड़ना क्या हो गया, अपक्षय कहलाता है। जैसे देखिए ये जो अपक्षय होता है आपको दो तरह से हो सकता है, फर्स्ट आपका होगा फिजिकल अपक्षय और सेकेंड क्या हो सकता है, केमिकल अपक्षय। अब देखिए केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग में क्या अंतर है, देखिए फिजिकल वेदरिंग मान लीजिए कि एक ताला है जिसका आपको कुंजी खो गया, यानी चाबी आपका क्या हो गया, खो गया है। अब उस ताला को आपको तोड़ना है तो आप उस ताला को दो तरीके से तोड़ सकते हो। ठीक है, कैसे दो तरीके से तोड़ेंगे, एक तो पहले हथौड़ी लाइए, ठीक है, उस हथौड़ी से मारिए उस ताला पे, वहाँ टूट जाएगा, तो उस तरह से जो टूटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, जो ताला को हम लोग हथौड़ी से तोड़े हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग, यानी हम लोग क्या किए हैं, हाथ से तोड़े हैं ताला को हथौड़ी से, इसलिए वो फिजिकल वेदरिंग में आएगा। और उसी ताला पे आप तेजाब डाल दीजिए तो वो भी गल के टूट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल वेदरिंग कहलाएगा। तो कोई भी जो वेदरिंग होगा यानी अपक्षय होगा वो दो तरीके से होगा, एक होगा क्या चीज़, फिजिकल वेदरिंग, और दूसरा क्या होगा, केमिकल वेदरिंग। तो आप अपक्षय समझ गए होइएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं इरोजन यानी अपरदन क्या होता है। तो देखिए जब दो चीज़ को घिसते हैं तो घिसने से क्या होता है, उसमें टूटता है, थोड़ा थोड़ा टूटेगा या पतला होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इरोजन यानी अपरदन। तो अपरदन कब होगा, किसी भी दो चीज़ को घिसने से या रगड़ से क्या होता है, अपरदन होता है। तो अपरदन ये हो गया। और तीसरा होता है निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या होगा, किसी भी चीज़ का जमाव ही क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। इस तीनों का एक बेस्ट एग्जांपल आपका ये है कि देखिए हमारे गांव घर में जो सब्जी बनता है उसका मसाला कैसे बनता है, हम लोग को पिसा के मसाला बनता है, ना कि गुंडी वाला मसाला दिया जाता है। तो गुंडी वाला मसाला आप लोग को यहाँ मार्केट में सब जो सब्जी बनाता देता है, लेकिन जब गांव में सब्जी बनाएंगे तो हम लोग की मम्मी क्या करती है, पहले मसाला उस पर पीसती है। ठीक है ना, तो उस पीसने में क्या होता है, सबसे पहले वो
क्या लाती है, उसका सब सामान लाती है जो जो मसाला में मिक्सिंग होता है। उसके बाद जो हल्दी होता है उसको क्या करती है, उसको लोहड़ी बोलते हैं, उससे क्या करती है उसको थकुच देती है, यानी तोड़ देती है। तो लोहड़ी से उस पर जो माड़ी है वो तोड़ी है, वही क्या कहलाएगा आपका वेदरिंग यानी अपक्षय। उसको क्या की है, तोड़ दी है, और किसी चीज़ का टूटना ही क्या कहलाता है, अपक्षय। तो जो लोहड़ी से तोड़ी थी वही क्या कहलाएगा, अपक्षय। अब देखिए अपक्षय जब हो गया तो उस पर हम उसके बाद क्या किया जाता है, पीसा जाता है, उसको रगड़ा जाता है, घिसने के कारण पतला होने लगता है। तो वो जो पतला होता है वही क्या हो गया, रगड़ के कारण हुआ है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरोजन यानी अपरदन। अब देखिए जब इरोजन कर रही है तो वो जो मसाला है वो आगे जाके क्या होता है, सब जमा होते जाता है। जो जमा हो गया वो क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, तो वही क्या कहलाएगा आपका, निक्षेपण। तो ये आपका अपक्षय यानी वेदरिंग, इरोजन यानी अपरदन, और डिपोजिशन यानी निक्षेपण का बेस्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये था आपका अपक्षय, निक्षेपण और इरोजन यानी अपरदन क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ओरिजिन और माउथ क्या होता है। तो देखिए कोई भी नदी जिस जगह से स्टार्टिंग हुआ निकलेगा, कोई भी नदी, मान लीजिए कि कोई नदी कहाँ से निकल रहा है, पर्वत से निकल रहा है, तो पर्वत से जहाँ से निकलेगा वही उसका क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उद्गम। और जहाँ नदी महासागर में मिल जाएगा, ठीक है, महासागर, जहाँ नदी महासागर में मिल जाएगा उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, माउथ, इंग्लिश में माउथ बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, मुहाना। क्या बोलेंगे, मुहाना। तो नदी जहाँ से निकलेगी उस स्थान को क्या बोलेंगे, ओरिजिन यानी उद्गम, और जहाँ महासागर में मिल जाएगी उस स्थान को क्या बोलेंगे, मुहाना। क्या बोलेंगे, मुहाना। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक पर्वत है, ठीक है, इस पर्वत से एक नदी निकल रहा है, एक ये क्या है, नदी निकल रहा है। तो देखिए जहाँ से ये नदी निकल रहा है ये किस आकार का है, वी शेप का आपका है, तो ये क्या हो गया आपका, वी शेप की घाटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी। देखिए जहाँ से नदी निकल रहा है वो कैसा है, भी शेप का है, इसलिए हम इसको को, इस जगह को क्या बोलेंगे, भी आकार की घाटी। अब देखिए देखिए ये क्या हो गया आपका, भी आकार की घाटी, और यहाँ पे क्या है, पानी जमा है, ठीक है। अब ये पानी क्या करेगा, इस भी आकार को और क्या करेगा, अपरदन करते 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 इस भी आकार को बड़ा सा भी आकार बना देगा, और ये बड़ा सा जो भी आकार बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्ज। क्या बोलेंगे, गार्ज। देखिए छोटा सा था तो इसको क्या बोलते थे, भी आकार की घाटी, और ये ही बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्ज। क्या बोलेंगे, गार्ज। तो यही जो भी शेप की आकार घाटी है, ये पहले छोटा था तो इसको हम लोग क्या बोले, भी शेप की घाटी, और यही बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्ज। क्या बोलेंगे, गार्ज। तो दूसरा आपका क्या है, गार्ज। क्या है, गार्ज। और तीसरा हम लोग समझते हैं, देखिए ये क्या था आपका, गार्ज। अब इस गार्ज में पानी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और गार्ज है तो पानी नीचे है, तो अब नीचे वाले पार्ट को क्या करेगा, वो अपरदन करके तोड़ते जाएगा तो ये अपरदन सीधा हो जाएगा, तो ये आय आकार की हो गया। तो अब यहाँ जो बना है इसको क्या बोलेंगे, आय आकार की घाटी। क्या बोलेंगे, आय आकार की घाटी। आय आकार की घाटी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैनियन। क्या बोलेंगे, कैनियन। तो देखिए पहले छोटा छोटा ऐसे था तो इसको हम लोग क्या बोले, भी आकार की घाटी, यही बड़ा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, गार्ज, और यही गार्ज नीचे से जब ऐसे हो जाएगा आय आकार की घाटी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैनियन। क्या बोलेंगे, कैनियन। तो ये आप अच्छे तरह से समझ गए होइएगा। चलिए अब हम लोग नदी की अवस्था पढ़ते हैं। तो नदी की टोटल तीन अवस्था होती है, ठीक है, जैसे हम लोग का अवस्था होता है, क्या होता है, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्धा, इसी तरह नदी भी तीन अवस्था में होती है। सबसे पहला अवस्था नदी का क्या होता है, युवा अवस्था। क्या होगा, युवा अवस्था। देखिए देखिए सबसे पहला अवस्था क्या हो जाएगा आपका नदी का, युवा अवस्था, युवा अवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा, तो प्रौढ़ अवस्था। तीसरा आपका हो जाएगा वृद्धावस्था। देखिए इसको क्या बोलेंगे, अपर केस, अपर कोर्स। देखिए इसको बोलेंगे हम लोग मिडिल कोर्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो लोअर कोर्स।
अब देखिए युवावस्था क्या होगा, देखिए नदी कहाँ से निकलता है, पहाड़ से, तो पहाड़ से जहाँ से निकलेगा नदी उस समय क्या होगा, नदी का क्या होगा, धारा बहुत ही तेज होगा, उस समय नदी किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ सकती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, युवावस्था। क्या बोलेंगे, युवा, जहाँ से नदी निकलती है उसी स्थान को क्या बोलेंगे, युवावस्था। यही नदी जब मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है, जैसे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी, इस जगह जो नदी बहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे नदी नदी लास्ट में जाती जाती महासागर में जहाँ पे मिल जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धावस्था यानी लोअर केस। वहाँ पे नदी कुछ भी अपरदन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, जो भी घिस के लाए उसको क्या करेगी, वहाँ पे रख देगी, और जो अपरदन करके लाई और जो वहाँ जहाँ लास्ट में रखेगी वहीं से हम लोग क्या बनता है, डेल्टा बनता है। ठीक है, तो वही जो नदी घिस के अपने साथ अपरदन करके कोई कचरा जो लाई है और वहाँ पे डाल दी है लास्ट में महासागर में मिलने से पहले, तो वही क्या बन जाता है, कचरा जमा होकर आपका डेल्टा का निर्माण कर लेता है। और सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो नदी की तीन अवस्था आप समझ गए होइएगा। ठीक।